जी आरजू की मामा आज आप कोर्ट हाई कोर्ट में आई हैं, क्या हुआ आज हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में शुक्र है खुदावन का कि आज मेरी बेटी का जो इन लोगों ने बोला था कि पुलिस स्टेशन जाके आप वो गवाही देना करना कि मैं अपने माँ बाप के पास सेफ हूँ, ये है वो है जो भी उन लोगों ने बोला था, लेकिन आज वो केस ख़त्म हो गया। मैं शुक्र करती हूँ खुदावन का, थैंक यू करती हूँ इन लोगों का भी, हाई कोर्ट का भी, इन्होंने मेरी बच्ची का ये जो मसला था ये ख़त्म किया और ये केस वो ख़त्म। अभी हमारे जो केस लगे हुए हैं 4-5 और केस लगे हुए हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। वो कहाँ पर? नीचे वाली कोर्ट में ना, हाई कोर्ट में? हाँ, आज हाई कोर्ट में ही है अभी, हाई कोर्ट में नहीं। वो जो केस है वो तो नीचे वाली कोर्ट में चल रहे, हाई कोर्ट वाला केस खत्म हो गया जिसमें पुलिस ने जी। इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा को मुबारक कहते हैं कि जो आरजू को अपेयरेंस करने का कहा गया था कि एवरी 3 मंथ्स ही हैज़ टू अपीयर इन द पुलिस स्टेशन बिफोर द पुलिस और अपनी वेल बीइंग के बारे में बताना है, तो 12 अक्टूबर को भी इसका केस हाई कोर्ट में कॉल हुआ था, MIT ने कहा था कि इस पर रिपोर्ट दी जाए और आज 25 नवंबर को दोबारा हाई कोर्ट में बुलाया गया था आरजू को और उसके वालदैन को। तो आरजू की वालदा, आरजू का भाई और आरजू खुद आई और जज साहब ने आरजू से पूछा, आरजू ने बताया कि जो है लिविंग होप जो वो उसको टेक केयर भी कर रही है, उसकी एजुकेशन का भी कर रही है, शी इज़ हैप्पी विद द पेरेंट्स। तो जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने इस केस को आज हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया है, इसकी अपेरेंस वाला जो कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई है और अब नीचे ट्रायल कोर्ट में इसके केस चल रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। दुआओं में याद रखें। हाँ जी आरजू, आप खुश हैं कि अब पुलिस में या कहीं आपको ये वाली बात तो आपके ऊपर से हटी? कर क्या रही हैं अभी आप? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अंडी गजाला ने शेल्टर खोला है वहाँ पर, मैं पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ, 9th का पढ़ रही हूँ ताकि मैं 9th एग्ज़ाम दे सकूँ और मुख्तलिफ चीज़ें भी सीख रही हूँ, सिलाई ये वो। वेरी गुड, आप सब खुश हैं? जी शुक्र है खुदावन का, बहुत खुश है, शुक्र है, शुक्र है। तमाम ईमानदारों की दुआओं का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कांस्टेंट प्रेयर किया ये बेटी वालदैन के पास वापस आ सकी, ये खुश है और होपफुली के नेक्स्ट ईयर 23 में ये 9th के एग्ज़ाम्स देगी और ये एक वालदैन के लिए खुशी का मकाम है और हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज इस केस को डिस्पोज ऑफ किया और अब नीचे ट्रायल कोर्ट्स में इसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू।